हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी ये एक ऑर्डर आया है तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक और ऑर्डर आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उससे हम कौन कौन से प्रोजेक्ट और बना सकते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कहाँ में यूज करने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट को हम ज्यादातर यूज करेंगे शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए। तो अभी काफी टाइम से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, उन पर व्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस हम अब आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। लॉन्ग वीडियो तो काफी टाइम से बना ही रहते, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दो लाइव वीडियोस जो कि सॉरी दो लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि अभी हम एक तो हमने पहले बना लिया था और एक अभी आज भी प्रिपेयर हो रहा है जो कि शॉर्ट्स में अपलोड होने वाला है। पॉसिबली उसको हम कल करेंगे, तो जो पहले बनाया था उसको आज अपलोड करेंगे। फिर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि उन पर व्यूज कितने आए हैं, मतलब आज वाले पर, आज के पहले वाले पर कितने व्यूज आए हुए हैं, और फिर आज जो बनाएंगे उसको कैसे हमने शूट करा है, कैसे अपलोड करा है। और आप भी उस शॉर्ट को देखना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें इतने व्यूज आना ठीक है या नहीं है। आपके कोई अगर मान लो सजेशन है तो वो भी आप हमको बताना। तो हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, सबसे पहले तो एक इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे और दो लाइव प्रोजेक्ट्स देखेंगे। एक प्रोजेक्ट बन चुका था, उसको बस आज शाम को अपडेट करना है। अपडेट जब मतलब अपलोड करेंगे शॉर्ट्स पर तो देखना आपके कितने व्यूज आएंगे उस पर, और फिर हम उस स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे और उसको यूज करेंगे, और जो भी चेंजेस होते हैं वो भी करेंगे। साथ साथ में जो आज प्रोजेक्ट बन रहा है उसको अपलोड करेंगे कल, क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक या दो ही वीडियो अपलोड करें। दिन में वीडियो ज्यादा अपलोड करते हैं तो दिन वाले वीडियो इतने चल नहीं पाते, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, कभी कभी चल भी जाते हैं तो। लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि शाम को ही एक वीडियो ही अपलोड करें, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी जो एक वीडियो मतलब एक जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो देखते हैं, उसके बाद में सेकेंड, और फिर हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। साथ साथ में थोड़ी सी और अपडेट्स दूंगा कि अभी तक के शॉर्ट्स कैसे काम करें। चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आज शॉर्ट्स के लिए जो हम वीडियो बना रहे थे या प्रोजेक्ट बना रहे थे वो हम डॉट मैट्रिक्स का बना रहे थे। यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हो, ये इसका कोड है, काफी टाइम लगा है। सुबह 11 बजे इसका कोड बना रहे थे, एक एक डॉट मैट्रिक्स को कैसे चलाना है ये सारी चीजें ध्यान रख रहे थे, और काफी लंबा था। नेट से भी कुछ कोड चेक किया था लेकिन खुद से ही बनाना पड़ा। तो ये कुछ स्माइली वाले पैटर्न बनाए हैं, ये वीडियो हम कल अपलोड करने वाले हैं। तो पैटर्न देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, इसको हम आज शूट करके कल डालेंगे। लेकिन आज तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो एज अवॉइडिंग रोबोट बनाया है वही डालेंगे। तो एज अवॉइडिंग रोबोट का वीडियो भी आपको अभी देखने को मिलेगा। तो कल के शॉट के लिए हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये देख लीजिए आप यहाँ पर पैटर्न्स जो काफी अच्छे लग रहे हैं, और थोड़े से इनको और इम्प्रूव करके हम जो है शूट करके डालेंगे कल 6 बजे। आज तो हम जो सिर्फ और सिर्फ एज अवॉइडिंग का जो सेकंड मैं आपको बताने वाला था कि वीडियो जो लाइव वीडियो थी, ये देखिए एज अवॉइडिंग का ये कुछ ऐसा बनाया हुआ था। इसका शॉर्ट्स में आप पूरा वीडियो देख सकते हो, अभी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे इसका हम, लेकिन ये समहाउ कुछ ऐसा था। तो इसको हमने जो है वो शूट कर लिया है, बस इसको डायरेक्टली हम आज जो है अपलोड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो वो आप देखिएगा। ये हमारी टेबल है जहाँ पर हम वीडियो शूट करते रहते हैं, और ये एक ESP32 है, और भी आप देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए। सोलर वाला पहले बनाया था हमने, और अब हम देखते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं जो कंपोनेंट्स आज आए हुए हैं उनको हम जरा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आई हुई है। तो जल्दी जल्दी पहले तो इसको हम कट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर आई हुई हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर वैसे क्या क्या चीजें ऑर्डर करी थी। तो देखिए पहले हमने ऑर्डर किया था ऑर्डिनो नैनो है, इसके अंदर एक ESP32 है, और NRF मॉड्यूल्स है, कुछ DC मोटर है, और पानी जो जो छोटी मोटर आती है मिनी DC पंप आता है वो इसके अंदर ऑर्डर करा है। इससे भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स शॉर्ट्स के लिए बनाने वाले हैं। हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट्स में अलग अलग रोज वीडियो बनाए ताकि कुछ ना कुछ जो है वो हम नया कंटेंट यूजर को दे पाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और फाइनली मैं आपको इनको जो है वो बताता हूँ यहाँ पर ये कैसे दिखने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको फाइनली बताता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा फटाफट अभी बढ़ा देता हूँ आगे। अब मैं इसका एक फाइनल पिक बताता हूँ कि ये NRF मॉड्यूल यहाँ पर ये है, और सबका एक पूरे का होलिस्टिक आपको वीडियो बता देता हूँ कि सारे कंपोनेंट्स कैसे दिख रहे हैं। आप DC मोटर देख ही सकते हो, वैसे आपको दिख रही है यहाँ पर, और ये जो इसका फाइनल व्यू है, ये सारे कंपोनेंट्स ऑर्डर करे। तो इनको यूज करके भी हम शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाने वाले हैं, फिर उनकी रैंकिंग वगैरह देखेंगे। तो एज अवॉइडिंग रोबोट वाला वीडियो जो है हमने अभी अपलोड कर दिया है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 6:30 पर जो है, अभी वैसे तो अभी जो है वो 8:40 हो चुके हैं, लेकिन 6:30 पर हमने इसको जो है वो शेड्यूल किया था, और देखते हैं कल कितने व्यू आएंगे। ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल
संडे का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था टू, उसमें कम से कम 2200 व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हो कि नीचे पर एक कम से कम 3300 समथिंग कुछ व्यू है, ना 3000 से ज्यादा है। तो इस तरह से अभी हम शॉर्ट्स पर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इस मेरे इस व्लॉग पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको टेक्निकल चीजें देखने को मिलेगी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह का कैसे यूज करना है। दूसरा, शॉर्ट्स की जर्नी को हम शेयर करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने डॉट मैट्रिक्स वाला वीडियो बनाया है उस पे जो है, या एज अवॉइडिंग, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स वाले को तो हम कल ही अपलोड करेंगे, पर एज अवॉइडिंग वाला जो रोबोट बनाया है उस पे कितने व्यूज आए हैं। तो ये सारी चीजें मैं कल आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।